अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी भाई ने अपनी नई वाली पिक कर ली है। अभी मैं गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ फूलों वाली दुकान पर। अजी अबू जी आयो, बाहर आओ, गाड़ी देखें। आजो 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 अबू। हाँ जी अब्बा जान, चेक करो। बहने हमें दस ने देखो ना वाशो। नींद पूरी हुई भी है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या स्यापा डाला हुआ है कि यार बिला वजह नींद पे नींद आती जा रही है। या तो फिर भाई ने आज चाय कॉफी नहीं पी, ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि अभी शायद मेरी बॉडी चाय कॉफी की डिमांड कर रही है। तो फिर पीता हूँ यार थोड़ी देर में चाय कॉफी ताकि तबीयत पूरी तरह से सेट मेट हो जाए और ये नींद भी बॉडी की जान छोड़ जाए। यार तुम लोग ये चेक करो, ये मेरा फोन और इसके ग्लास की हालत जरा देखो, ये टूट चुका है, यहाँ से ऊपर से भी ग्लास टूट चुका है। अभी मैं इसका फ्रंट कैम करता हूँ तो ग्लास टूटे के साइड इफेक्ट नजर आएंगे। ये देखो ये, अब मुझे लगता है कि शायद मुझे इस ग्लास को उतार देना चाहिए। अगर तो इसको नहीं उतारा ना मैंने तो फिर शायद ये हो सकता है कि नीचे से इसका ग्लास ही इसकी स्क्रीन को डैमेज कर दे। तो बेहतर है कि उतार दूं इसको टाइमली। उतर गया जी ग्लास और स्क्रीन को एक दफा से चेक कर लेता हूँ कि किसी जगह से कोई पंगेबाजी तो नहीं इस ग्लास ने डाली। नहीं जी, स्क्रीन ठीक है, थैंक गॉड। चल भाई तुझे बिन करता हूँ अब। चल, वीडियो बना रहा था अच्छा खासा इधर बैठकर, तभी इधर आ गई है यहाँ शरारतें करने के लिए। यार इधर के लिए ना भरपूर दुआ करें, बिकॉज इसकी पिछले दो दिनों से तबीयत नहीं सही चल रही, इसलिए हम मैं और कवल रात में तकरीबन दो दो तीन तीन दफा उठते हैं क्योंकि इसको बुखार बहुत तेज हो जाता है रात के टाइम में खास तौर पर। तो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर के पास तो वैसे चार पांच दिन पहले भी लेकर गए थे लेकिन तब फर्क पड़ गया था एक दिन के लिए, उसके बाद फिर इसको बुखार कल भी हुआ और आज भी रात में इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। पोस्ट भी कर दिया, पोस्ट कर दी अपनी वीडियो में। ये तो नहीं करो सोने नहीं डर। कॉफी जी मैंने अपने लिए बनवा ली है, अब इसको चुस्के लगा लगा कर पीता हूँ और इंशाल्लाह 10-15 मिनट में फिर भाई फ्रेश हो जाएगा। ये तो कुकू को नहीं तंग करो, कुकू को तंग कर रही है बिला वजह। कभी उसके बाल खींचती है, कभी उसके नाक को टच करती है, कभी उसके फेस को टच करती है। आजो इधर आजो, आजो 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 अंदर आजो अंदर आजो अंदर आजो। ओ आ जाओ आ जाओ, देखो कुको भी आपके साथ साथ ही घूम रहा है। वो भी बेचारा कह रहा है इसको कर लेने दो यार तंग। उस्ताद जी तुसी तैयार शहर हो के किधर जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। बाहर क्या लेने जा रहे हो? खांसी करने। मैं क्या बाहर तो फेर आया हूँ, पाकिस्तान में फेर लिए। अच्छा ठीक है, कल बाहर से आया आज पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। कोई दोस्त आ रहे हैं, गाड़ी तो है ही नहीं, एक गाड़ी है आज घर पे, वो भी हमारी फॉर्च्यूनर और वो भी कवल लेकर निकल गई है अपना पॉडकास्ट करने के लिए। गाड़ियों क्या है, पैदल घूम लेंगे। पैदल क्या? ओ जाए, तू कभी मोटरसाइकिल तो नहीं गया? कहना मैं पैदल घूम लूंगा। बात सुन, उसका क्या करना है जो 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 वो है या बाजा वाला चैलेंज करवाया था। हाँ। अपनी बारी तो नस गए हैं। मैं तो नहीं दौड़ा। दौड़ा भाई तुम लोग दौड़े हुए थे, तू भी बाहर चले गया ठीक है। उसके बाद हाफिज वो भी लंदन निकल गया है, अब मैं किसके साथ चैलेंज पूरा करूं? तो मेरे साथ करना। तेरे साथ अकेले के साथ तो मेरी कमिटमेंट नहीं थी ना, तो हाफिज भी साथ होना चाहिए। छोड़ दे तू हाफिज को। क्यों छोड़ू? हाफिज को छोड़ दे तू। क्यों छोड़ू? मैंने तो किया था। नहीं तू हाफिज को जब साथ में लाएगा तब मैं भी अपना चैलेंज पूरा कर। तेरे चैलेंज वास्ते मैं 10 लाख की टिकट करा के लाऊंगा। नहीं 10 लाख की टिकट नहीं करवा, जो भी तूने करना है कर, जुगाड़ जो जैसे भी किया जा सकता है कर लेना। जब तू जुगाड़ कर लेगा तब मैं वो चैलेंज पूरा कर दूंगा। कि इन लोगों के साथ ना मैंने एक चैलेंज किया था सही यस वाला, मतलब इसने और हाफिज ने पूरे दिन के लिए मुझे यस यस कहा था हर बात पे। तो तभी इब्रार साहब ने ना आप लोगों से पूछा था कि बताएं जी जुल्करनैन को भी अब हमारे साथ सही यस वाला चैलेंज करना चाहिए ना। तो उस पर तकरीबन कोई 7,000 कॉमेंट आया था इनके हक में, जिस पर कि मैं बड़ा ज्यादा हैरान भी हुआ था और मुझे बड़ा ज्यादा गुस्सा भी आया था उस टाइम कि यार ये क्या मेरे हक का कोई आया ही नहीं कॉमेंट, सारे कॉमेंट इनके हक में ना। तूने करवाई कितनी थी भी तो देख।
करवाई थी। बरल हाफज हुफजा वाला काम नहीं है को और कोई जड़ा ना सिस्टम और जड़ा ना कौन सा सिस्टम लाओ यार तू ऐसा करना हाफिज को छोड़ हाँ। हाफिज को लेके आना मेरी सीट लग दी है हाँ। तू अपने क्या 10 लाख की टिकट लगाएगा अबे उसको मैं वीडियो कॉल पे ले लूंगा वीडियो कॉल पे ले लेगा बेटा बस कर हाफिज होना चाहिए ना हाफिज तुझे चैलेंज देगा आधा हाफिज देगा आधा मैं उसको तो ये क्या बात हुई वीडियो कॉल वाला बात नहीं भाई वो होना चाहिए इधर बस भाई अब डिसाइड हो गया चलो ठीक है फिर प्लान करता हूँ कल परसों का इसने वैसे वीडियो कॉल वाला जुगाड़ अच्छा ढूंढ लिया ये मेरे माइंड में भी नहीं था परसों से ना पाया तू कल की बात ये कल करेंगे परसों भी मैंने कहा है मैंने कहा कल या परसों नहीं तो कल पे रखना परसों पे जाए ना तू चलो ठीक है कल करेंगे ठीक है कल फिर सोच लेना जो जो करवाना है तू क्या करने लगा है पैंट चेंज करो अच्छा शूज चेंज करने लगा मुझे लगा शायद पैंट चेंज करने लगा तो मुझे भाई निकाल रहा रूम से अरे बच्चा पार्टी क्या चाहिए कुछ नहीं मिला था मुझे मिलना था अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुझे मिलने आए हो क्या क्रिकेट खेलने आए हो भाई आपसे कितनी दूर से मिलने दूर वो मुझे लगा सही वाल से आए हैं अच्छा अच्छा इतना दूर वो तो ये है 2 मिनट पे है रोज गार्डन यार कहते इतनी दूर साइकिल पे बंदा जल्दी पहुंच जाता है बच्चों ने किया है जूस शूज पीना है नहीं पीना पक्की बात है यार इनकी उम्रों में मैं तो ना नहीं करता था ये कह रहे हैं उए उए इधर भी आ गया आपको मिलने के लिए उए उए शाम कर लो इधर के साथ शाम ले लो हेलो शाम करो ना ये वो शर्मा गई है आप सबसे वो कहती पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे बच्चे अंकल वीडियो कब आएगी भाई अंकल कौन है कहता अंकल वीडियो कब आएगी भाई भाई हूँ यार अंकल तो ना कह बड़ा ही अजीब नहीं माहौल कवल तुम्हारा तुम सारा दिन उधर गुजार कर आ गई हो तुम्हें नहीं पता हम लोगों ने गाड़ी लेने जाना था आज गाड़ी लेने जाना है लेकिन मजदूरी भी तो करनी है मजदूरी कौन सी पॉडकास्ट पे कौन सी मजदूरी होती है जी बैठ के तो कौन से गप्पे छप्पे मार के आ जाते हो गप्पे मारो मैं किसी के साथ मैं मार लेता हूँ सारा दिन गप्पे ही मारता हूँ मेरे साथ तो बात नहीं होती तुम्हारे साथ क्यों बात तुम्हारे साथ जब भी बात होती है तब बात बढ़ जाती है तो इसलिए बढ़ाने से बेहतर है कम कर लो चलो फिर निकले गाड़ी के लिए चलो निकलने से पहले अभी इनको याद आ गया है पिज्जा खाना तो जब ये लोग पिज्जा खा रहे थे मैंने सोचा यार मुझे भी एक आधा स्लाइस दे दो हल्की फुल्की सी भूख का अपनी का भी इलाज हो जाएगा A few minutes later अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी भाई ने अपनी नई वाली पिक कर ली है अपनी वो डॉक्टर साहिब है ना उनके घर से पिक करने के बाद अभी मैं गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ फूलों वाली दुकान पर क्योंकि फूलों वाली दुकान पर इस पर मैं जबरदस्त किस्म का रिबन शिबन लगाऊंगा और रिबन शिबन लगवाने के बाद हम इसे लेकर जाएंगे घर दादी अभी रिबन शिबन रेडी कर रहे हैं रिबन शिबन रेडी करने के बाद इसको लगा देंगे अपनी शहजादी सी गाड़ी के ऊपर और पहले उस्ताद जी ने ये वाला रिबन रेडी किया था मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा हो जाएगा तो बड़े वाला लगाओ और अपने ना नसीब कई चीजों के मामले में खराब चल रही है जैसे कि जिस चीज के मुतालिक मैंने सोचा था ना कि जिस तरह का रिबन शिबन लगवाऊंगा वो वाला रिबन तकरीबन 2-3 दुकानें घूमने के बावजूद मुझे नहीं मिला मैं दिखाता हूँ कि कौन सा रिबन सोचा था ये वाला रिबन मैंने गाड़ी पर लगवाने के लिए सोचा हुआ था जो कि नहीं मिल पाया फिर इसकी तकरीबन थोड़ी बहुत कॉपी करके मैंने रिबन शिबन लगवा लिया अरे वाह भाई वाह ये तो बहुत प्यारा लग रहा है चलो जी निकलते हैं अब घर की तरफ अल्लाह हू अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाय 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 भाई नई गाड़ी के तो मजे ही अलग हैं आयो भाई रहो गाड़ी देखें ले आया हूँ मैं एक मिनट में अपा को भी बुला लूं हाँ जी ले आया हूँ अपा बाहर आ जाए हाँ जी गाड़ी आ गई आजो 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 आजो
नई गाड़ी है यार अबू, 2023 के तकरीबन 10वें या 11वें महीने में ये निकलवाई थी। बिल्कुल नहीं है, अभी तो नंबर प्लेट भी नहीं लगी। देखिए ना, अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है, अप्लाइड फॉर 023। नंबर लो आओ। नंबर अबू 2-3 दिनों में लग जाना है। हाँ बस ठीक है। अच्छा, हाँ जी, कैसी लगी है? बहुत हाँ, APL का मतलब अप्लाइड। ट्रीट आपकी देते हैं, पहले गाड़ी देखें। आप दोनों मिलकर दो, पहला दवांगे फिर लवांगे। लो जी, मुकाबलेबाजी हो गई। अबू कह रहे हैं ट्रीट देनी है, आपा कह रहे हैं ट्रीट लेनी है। चलो ठीक है, चलो तुसी पहले ले लो फिर दे दियो, तुसी पहले दे दियो फिर कर दियो। जबरदस्त है, आए बैठे ड्राइव करके आते हैं। आजो 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 आजो, चाबी की तरह चाबी लेकर आओ। आजो जी आजो जी आजो जी आजो जी आजो जी आजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हां जी, अंदर से क्या माहौल है? बहुत प्यारी है, माशा प्यारी है ना। मिलकर ये दूसरी सिविक से खुली है, मैं सही कह रही हूं? हां, अब जो लास्ट वाली थी उससे खुली मुझे लग रही है। 2003 मॉडल है। हां ये है ना। चलो जी चलते हैं, चलो जी सैर जरा करके आते हैं अपने टाउन की थोड़ी बहुत। इधर मजा आ रहा है अपनी नई गाड़ी में बैठ कर। यस 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 यस, मजे। मेरे बेटे की गाड़ी है, आपकी है ना मेरी? ये भाई ना मेरी है, ना कवल की है, ना घर के किसी दूसरे सदस्य की है, ये गाड़ी एजल की। ठीक है, एजल का नाम लिखवा दो। अबू चलानी है गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, अबू को चलानी नहीं आती। मैनू पूरी दुनिया कहंदी है कोई राज चौधरी, मैं क्या, मैनू जहाज नहीं, मैं किथों लवांगा? हां जी, अबू ड्राइविंग सिखाऊं आपको आज? ओ नहीं, आप नई गाड़ी को ठोक कर इसकी इनॉग्रेशन करें। वो नहीं, अपना उस्मान चीमा नहीं, अपना एडवोकेट, वो मेरे बड़े भाई और छोटा, वो बड़ा मगर पे है, तू कहीं जी करेगा? मैं क्या, मैं जांच नहीं है, मैं मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल है। नहीं जांच ही नहीं, मैं अबू बाइक से अभी तक गिरते फिरते हैं, वो बाइक भी सही तरह से चलानी नहीं आती है। अभी पिछले ही ना 7-8 दिन पहले अबू को चोट लगी है टांग पर, वो बाइक से गिरने के बाद हल्का फुल्का सा चीरा शीरा आ गया। ये चोटें ना अबू को हर महीने लगती रहती हैं बाइक से। अब मैं मिठाई शिठाई भी लेकर आता हूँ, आप लोगों को खिलाता हूँ मिठाई। रात में ले आएंगे ना मिठाई वापसी पर? वापसी पे ले। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर तक हम लोगों ने शादी के लिए निकलना, शादी पर जाएंगे, मौज मस्ती मारेंगे, फिर आते हुए मिठाई भी लेकर आएंगे। हाँ इब्रार अभी बाइक निकला हुआ है, बस वो गया, उसने गाड़ी नहीं देखी, दोस्तों को भी गाड़ी शाड़ी दिखाएंगे। उसके बाद अम्मी गुजरात हैं, बड़े भाई निकाश भाई भी गुजरात हैं, बाकी फैमिली के लोग भी इधर उधर निकले हुए, उनको हम लोगों ने वीडियो शेयर कर दी है। अल्लाह सबको दे, आमीन। किसी को किसी का मिथाज न करे, आमीन। ये मेरी नई शॉल है जो कि आज मैंने शादी पर पहननी है, और दूसरी दफा ये मैं पहनने लगा हूं। मतलब एक दफा पहले मैंने पहनी है तकरीबन कोई 1.5 या 2 महीने पहले, उसके बाद मैंने ये वेयर नहीं की। और अभी जब भी मैं इसको पहनने के लिए इस्त्री शिस्त्री करके लाया हूं ना, तो जनाब ये चेक करो, ये धागे छागे ऊपर निकल आए थे, ये देखो ये भी निकले हुए हैं। इनको मैं ना फिर इस छोटी सी कैंची की मदद से धागों को निकाल लूं, ताकि शॉल मेरी जो नई है ना वो नई लगे। यार चेक करो कितनी नाकस क्वालिटी की चीजें अब पाकिस्तानी बनाने लगी हैं। मतलब कि एक दफा बंदा पहने, दूसरी दफा वो पहनने के काबिल नहीं रहती, या दूसरी दफा वो चीज नई लगती ही नहीं है। ये वाली शॉल मैं अपने लिए सवाद से लेकर आया था स्पेशली, जिसके अब मैं धागे निकाल रहा हूँ। शादी पर जाने के लिए हम लोग हो चुके हैं जी रेडी, चलो निकले। आज मैंने काले कपड़े पहने थे और शॉल मैंने एहतियात के तौर पर ले लिया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा जो सीन मेरे साथ परसों हुआ था वही आज हो। परसों सीन दरअसल ये हुआ था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सलवार कमीज पहन ली थी, और ऊपर कोई कोट शोट, ना ही कोई वेस्ट कोट, और ना ही कोई शॉल वगैरह ली थी, इसलिए मुझे इवेंट पर पहुंचने के बाद ठंड ठंड लग रही थी। इसलिए आज एहतियात के तौर पर मैंने ब्लैक कलर की शॉल अपने काले कपड़ों के साथ ओढ़ लिए। अल्लाह अकबर, चलो जी। गाड़ी में बैठने के बाद याद आया कि फोन तो अपना रूम में भूल आया हूँ, अभी फोन पकड़ने के लिए वापस आया हूँ। चलो जी अब निकलते हैं। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह वेन्यू पर हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी को मैं लॉक शॉक करता हूँ और अंदर चलता हूँ। पल पल में मेरी लाइन ही ले गया यार, मैं दोबारा से गाने लगा था, पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अगली लाइन जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली में। ओ भाई मुझे भी दे दो जलेबी, जलेबी दे यार, ये ना खिला चल। बराबर हो गया था, बराबर कर रहे हैं ना, मैंने इसको गोलगप्पा नहीं ना खिलाया था।
बड़ी मजेदार है। कौन जलेबी? तो बहुत मजेदार है ब्रो। असल में ना गरम गरम निकल रही है ना, इसलिए ज्यादा मजेदार है। बहुत गर्म ही हूँ पता चला गर्म। ब्रो गाड़ी चेक कर, अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत है। ये क्यों नहीं उतारा ये ब्रो अभी? नहीं ना, ओए ओए उल्टा कैसे हो गई है अपनी बटरफ्लाई? ये ऐसे न्यू गाड़ी है ना, अभी जरा दो दिन लगा कर रखेंगे। बहुत प्यारी बहुत प्यारी बहुत प्यारी है। लेकिन ना लेला छोटा, हाँ अपने से एजल से, हाँ सबसे वार देना, नजरें हाँ बहुत बुरी होती हैं। बहुत खूबसूरत है। कौन सा है? कौन सा है यार ये? अप्लाइड फॉर है मेरी जान, 2023 का आखिरी मॉडल है, 2023 का। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक आपके नसीब में करे चलानी हंडानी आपको नसीब करे, और खैर वो आफियत से चलाए। आमीन। वैसे इसको मैंने कल रात को ही फोन करके बता दिया था, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं दिखाई थी, कहता गाड़ी पिक्चर शीचर भेज, मैंने कहा ना ब्रो ऑन द स्पॉट रिएक्शन जबरदस्त जबरदस्त है ना माशाल्लाह। फिर तुझे भी ये शायद नहीं जानते। अभी ये पिक्चर निकलेगी हमारी यार। हमें मियां बीवी को बनवा लेने दो अभी। कमल बहुत अच्छी पिक्चर आई है हमारी जी। वो यार मेरे के साथ भी पिक्चर बड़ी जबरदस्त आई है। ये ज्यादा अच्छी है, ये क्या बात यार, ग्रुप की बनवाते हैं। ये चेक करो जी, ग्रुप की भी पिक्चर बड़ी जबरदस्त आई है यार। अली की इकरा, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, सिंगिंग का मजा आ गया अली, कसम से। आजा भाई तुझे अपनी नई गाड़ी दिखाता हूँ, चेक कर। वाह भाई वाह, चेक कर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है ना। One more achievement unlocked. Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह, थू 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 थू, बहुत बहुत मुबारक हो। सत्तर निकालना। हाँ हाँ, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक निकालेंगे। Very very. और अभी आ रहे हैं गाने लगा कर फुल ऑन जा रहे हैं। दरअसल उसका भी कसूर नहीं है, शादी है ना यार, शादी पे चलता है। ये रिबन बहुत अच्छा लग रहा है और गाड़ी ही बहुत अच्छी है। बहुत मुबारक हो गोविंदा, बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम मारने दे, सिर कहता रिबन। हाँ रिबन बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब निकले, चलो निकलते हैं बस। चलो जी कार चलिए। ओ मर गए भाई, बेकरी तो बंद हो चुकी है यार। मैंने जाते हुए मिठाई लेकर जानी थी। बहुत से एक किलो मिठाई मिल सकती है, मिल जाएगी। ओ यार थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्योंकि दोपहर में मैंने जिक्र किया था ना कि मैं शादी से जब ही वापिस आऊंगा तब घर जाते जाते मिठाई लेकर जाऊंगा। अब मुझे शादी पर ही काफी ज़रा टाइम लग गया था, इस चक्करों में रास्ते में जितनी भी बेकरी देखता आ रहा था वो क्लोज ही नजर आ रही थी। ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन और साथ में ना बर्फी कर दीजिएगा, ठीक है ना? लो जी मिठाई बड़ी मुश्किलों से मिली गई है, अब घर जाकर सबका मुंह मीठा करवा दो। अस्सलाम वालेकुम, हमारी क्या हाल है? ठीक है, आप भी गाड़ी की मुबारकबाद देने आए हैं? नेक मिठाई में क्या? ओ ये हमारी तरफ से है, ये आपकी तरफ से नहीं है मिठाई। ओ शुक्र करो, शुक्र करें ये मिल गई है। उन्होंने एक किलो बड़ी मुश्किलों से दी है। खाओ। हेलो आपा किधर गए? आपा किधर गए बहन? आप खाएं। ताड़े भी बहुत पामा। अल्लाह तालो। तेर तेर। आमीन आमीन। खाओ आपा। मैं लड्डू खाए। लड्डू? लड्डू खाएं, लड्डू खाएं। थैंक यू थैंक यू। अपा जान सो गए? कंडक तक ते जागदे पे सी एक बंदा। मुझे लगता सो गए होंगे क्योंकि अभी रात का एक तो बज गया यार। ले लो खाओ बच्चों। वालेकुम सलाम। खाओ खाओ। और तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। गाड़ी आपने ली है, हमने नहीं ली, मुबारक हो। खाओ तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। खाओ खाओ। वालेकुम सलाम। खाओ 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 खाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आजा दिखाते हैं आपको। हाँ जी आ जाओ, आपको बाहर दिखाता हूँ गाड़ी। मैं अब्बू को देखकर, बल्कि आपको पहले गाड़ी दिखाता हूँ फिर अब्बू को मिठाई खिला। कैसी लगी? प्यारी है ना? आज मैंने सबकी रिएक्शन रिकॉर्ड कर ली है वैसे, है ना? दोस्तों के भी, फैमिली के भी, सबके ही। हाँ जी बच्चों, प्यारी है ना? चलो माशाल्लाह, मैं अब्बू को खिला कराता हूँ मिठाई। ओहो अब्बा जान तो सो चुके हैं, चलो सुबह खिला दूंगा। क्रिकेट खेले हुए तकरीबन 10-15 दिन हो गए थे, तो मैं अभी आ चुका था क्रिकेट खेलने के लिए। बस अभी आधा घंटा 40 मिनट क्रिकेट खेली है और इब्राहिम साहब यहाँ ही मिल गए हैं। इब्राहिम साहब कैसी लगी ब्रो?
भाई मुबारक हो भाई, मैं तो वापस आया हूँ तो ऐसे देखा तो सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज मिल गया। गाड़ी कैसी लगी है? गाड़ी माशाल्लाह अच्छी है ब्रो। अच्छी है ना भाई, मैं भी सिविक वाला लौंडा था, तुम भी सिविक वाला लौंडा। लेकिन ब्रो तू पुरानी सिविक वाला लौंडा है, तेरे को नई सिविक वाला। अबे इधर दिखाओ दिखाओ दिखाओ, टर्बो है भाई बकाले। अच्छा आजा मैदान में भाई, पुरानी पुरानी होती है टर्बो या शर्बो, पुरानी पुरानी नई नई होती है। कैसा बंदा है यार, गड्डी लेके देख के आप ही बिस्ती करी जा रहे हो। चलो आ जाओ घर चलें बस। मैं जी अब जा रहा हूँ घर, घर जाकर बस आराम शराम करूंगा क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, तकरीबन रात के 2:30 बज चुके हैं। अब आपसे मिलूंगा कल एक नए ब्लॉग के साथ। अब अपने भाई को दे इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।